हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेसन भुजिया बनाने के लिए पहले हमने एक कप बेसन लिया है, इसको हम बाउल में डालेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें हम हाफ टी स्पून रेड चिली डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून किचन किंग मसाला, हाफ टी स्पून चाट मसाला, इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है, अभी इसे हम बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ऐसे हम इसे मिक्स करेंगे। अभी हमने मिक्स कर लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मिक्सर हमारा बनके रेडी है। अभी हम ये सेव सांचा लेंगे। ये देखिए इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए ये हम पतली वाला लेंगे जाली, इसमें भी हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। इसे हम इसमें ऐसे लगा देंगे। ये देखिए अभी ये वाला पार्ट है, इसे यहां पर भी हम ऑयल लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी अच्छे से लगा देंगे। अभी हमने एक कटोरी में पानी लिया है, उसे हम थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा लेंगे अच्छे से। अभी ये बेसन लेंगे, ये देखिए अभी इसे हम संचे में डाल देंगे ऐसे, बाकी का भी हम ऐसे ही डाल देंगे इसमें। इसे हमने फिल कर लिया है, इसे हम ऊपर से बंद कर देंगे। अभी हमने इसको बंद कर लिया है, अभी हमारा भुजिया तलना हम शुरू करेंगे। अभी हम भुजिया तलना शुरू करेंगे।
अभी इसको हम एक बार पलट लेंगे। अब हम भुजी को निकाल लेंगे। अभी हम भुजी को प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम बाकी का भुजिया भी निकाल लेंगे। ये देखिए भुजिया हमने बना लिया है। अभी इसे हम क्रश करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा भुजिया। हमारा भुजिया बनके रेडी है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।